लॉकडाउन के बीच धौलपुर में बैंकों में लोगों की भीड़ को कम करने के लिए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने नई पहल की है, जिसके तहत 3 दिन में करीब 57,000 लोगों को 11,62,00,000 रुपए की पेंशन घरों तक पहुंचाई गई है। इससे बैंकों और ई मित्र पर लोगों की भीड़ नहीं लगी। जिला कलेक्टर की माने तो उन्होंने 5 दिन में 1,00,000 लोगों के घरों तक पेंशन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कलेक्टर की इस पहल को प्रदेश के कई अधिकारी भी अमल में लाने के लिए पूरा प्लान मांग रहे हैं। जो जीरो खाते में पैसे मिले, जो कलेक्टर साहब ने घर बैठी दिए, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कलेक्टर साहब के लिए, घर घर बैठे पैसे घर ही आए। पेंशन वितरण का भी काम अपनाया और राशन की दुकानों पर जो भीड़ होती थी उसको नियंत्रित करने के लिए हमने काम किया। युवा पर्ची सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, यानी प्रतिदिन 30 से 40 लोगों को हमने वितरण किया, उससे हमें काफ़ी सफलता मिली है और भीड़ इकट्ठे करने के जो कारण हमको विश्वास किया। इसके अलावा हमने एक अभिनव प्रयोग ये किया कि बाड़ी में जहाँ दुकानें ज़्यादा थी तो उसमें हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड का प्रयोग किया, यानी परचुनी की दुकानें और दूसरी जो दुकानें बहुत ज़्यादा थी तो और सड़कों की चौड़ाई कम थी तो उनमें एक दिन राइट साइड खुलेगी, दूसरे दिन लेफ्ट साइड खुलेगी। इसी तरह बसेड़ी में जब इस प्रयोग को हमने आरम्भ किया तो दिक्कत यह आई कि सारी दुकानें एक साइड में 90% थी और दूसरी साइड में 10% थी, तो वहाँ पर हमने इवन आउट का फार्मूला लागू किया, यानी दुकानों को सूचीबद्ध किया। जो दुकानें इवन नंबर की थी 1, 3, 5, 7 उनको हमने एक दिन खोला, बाकी जो ऑड नंबर की थी दूसरे दिन खोला, तो उससे सभी से एक बड़ा अच्छा प्रभाव आया। और